भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर के आर नारायण जी, हाँ, इनके बारे में हम बहुत कुछ नहीं जानते। आज इस वीडियो में बात करेंगे हम उनके जीवन चरित्र के बारे में। वे देश के पहले दलित राष्ट्रपति थे। उनका संपूर्ण जीवन संघर्ष से भरा हुआ था। वे केरल के एक गाँव में फूस की झोपड़ी में 1920 में पैदा हुए। उनके पिता आयुर्वेदिक औषधियों के ज्ञाता थे, इससे वे अपना परिवार चलाते थे। गरीबी इतनी भयंकर कि 15 किलोमीटर दूर सरकारी स्कूल में पैदल पढ़ने जाते थे। कभी कभी फीस न होने पर उन्हें कक्षा से बाहर खड़ा होना पड़ता था। उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ाई की। जब वह भारत लौटे तो उनके प्रोफेसर ने एक पत्र भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल के नाम उन्हें दिया। उस पत्र में उनकी प्रतिभा का उल्लेख था। उन्होंने 3 वर्ष का कोर्स 2 साल में विशिष्ट योग्यता के साथ पास किया था। जब वह पत्र उन्होंने नेहरू जी को दिया तो नेहरू जी ने उन्हें राजदूत नियुक्त कर दिया। सेवानिवृत्ति होने पर उन्होंने JNU का कुलपति बनाया गया। एक बार वे उपराष्ट्रपति भी रह चुके थे। इसके बाद वे भारत के 10वें राष्ट्रपति बने तथा अनुसूचित जाति के पहले राष्ट्रपति बने। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को बिना हस्ताक्षर किए फाइल यह कहते हुए वापस कर दी कि 10 न्यायाधीशों के इस पैनल में एक भी SC ST का जज क्यों नहीं है। उनके तेवर देखकर सरकार में हड़कंप मच गया। तब जाकर यह मुख्य न्यायाधीश KG बालकृष्णन को बनाया गया, जो अनुसूचित जाति के पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश बने। इस व्यवस्था को SC ST OBC के लोग भूल नहीं सकते। ये भी केरल के ही थे। दूसरा बड़ा कदम जो उठाया तब वाजपेयी सरकार ने सावरकर को भारत रत्न देने के प्रस्ताव को वापस कर दिया। तीसरा बड़ा कदम जब उठाया तब वाजपेयी सरकार का उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने का प्रस्ताव को खारिज कर दिया। ऐसे महामन की आज जरूरत है। ऐसे महान पुरुष को उत्तर भारत के SC ST OBC के लोग जानते तक नहीं है। लोगों द्वारा समाज में यह भ्रम फैलाया गया है कि दलित लोग शिक्षा के लायक नहीं थे, जबकि संविधान सभा में 14 महिला ग्रेजुएट थी। एक अनुसूचित जाति की महिला ग्रेजुएट थी। हजारों लोग ब्रिटिश शासन में उच्च शिक्षित थे। दूसरे महामहिम राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनके नाम से शिक्षक दिन मनाया जाता है, वे तथा डॉक्टर KR नारायण सभी इंग्लिश मीडियम से पढ़े थे। महामहिम राष्ट्रपति डॉक्टर KR नारायण ने सन 1948 में अंग्रेजी साहित्य में प्रथम श्रेणी से MA पास किया। MA पास करने के बाद उन्होंने महाराजा कॉलेज में अंग्रेजी प्रवक्ता पद के लिए आवेदन किया, लेकिन त्रावणकोर के दीवान CP रामास्वामी अय्यर ने नारायण को प्रवक्ता पद पर काम करने से रोक दिया और कहा कि आपको सिर्फ क्लार्क पद पर ही कार्य करना होगा। अय्यर के मन में जातीय भेदभाव इस कदर भरा हुआ था कि वह कामगार, किसान, आदिवासी, कबाइल जमात के किसी भी युवक युवतियों को प्रवक्ता पद पर आसीन होते सहन नहीं कर सकता था। स्वाभिमानी डॉक्टर KR नारायण ने क्लर्क की नौकरी पर काम करने से साफ साफ इनकार कर दिया और इसके ठीक बाद में विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह में BA की डिग्री लेने से मना कर दिया। इस घटना में 4 दशक बाद सन 1992 में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बनने पर उनके गृह राज्य केरल विश्वविद्यालय के उसी सीनेट में उनका जोरदार स्वागत हुआ। उस वक्त की तत्कालीन जातिवादियों पर तंज कसते हुए नारायण ने कहा कि आज मुझे उन जातिवादियों के दर्शन नहीं हो रहे जिन्होंने वंचित जमात का सदस्य होने के कारण इसी विद्यालय में मुझे प्रवक्ता बनने से वंचित कर दिया था। 1946 में श्री KR नारायण जी दिल्ली में डॉक्टर BR अम्बेडकर से मिलने आए थे। डॉक्टर BR अम्बेडकर जी उस समय में वायसराय की काउंसिलिंग में श्रम विभाग के सदस्य थे। नारायण की योग्यता को देखते हुए डॉक्टर अम्बेडकर ने दिल्ली में ही भारत ओवरसीज विभाग में 250 रुपये प्रति माह पर सरकारी नौकरी दिलवा दी थी। राजनीतिक के तौर पर नारायण जी टोक्यो, लंदन, ऑस्ट्रेलिया, हनोई में स्थित भारतीय उच्चायोग में प्रतिष्ठित पदों पर रहे और चीन के राजदूत भी नियुक्त हुए। वहाँ से रिटायर होने के बाद सन 1979-1980 तक JNU के कुलपति रहे। सन 1980 से 1984 तक अमेरिका के राजदूत भी रहे। KR नारायण 14 जुलाई 1997 को भारत के 10वें राष्ट्रपति चुने गए। KR नारायण ही वह व्यक्ति थे जिन्होंने वंचित वर्ग के लोगों के लिए उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश बनने का रास्ता खोला। उच्चतम न्यायालय के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश
एएस आनंद ने उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के लिए 10 न्यायविद उच्च न्यायालयों के कानून विशेषज्ञ का एक पैनल बनाकर मंजूरी के लिए राष्ट्रपति को भेजा था। के आर नारायण ने उस फाइल को स्वीकृत करने की बजाय तल्ख टिप्पणी लिखी, क्या इन 10 व्यक्तियों के पैनल में रखने के लिए उच्चतम न्यायालयों के न्यायाधीश में भारत के अनुसूचित वर्ग के अनुसूचित जाति एवं जनजाति का एक भी व्यक्ति योग्य न्यायाधीश नहीं है। देश के राष्ट्रपति की इस टिप्पणी से सरकार से लेकर न्यायालय में हड़कंप मच गया। न्यायिक पदों के लिए देश में वंचितों और आदिवासियों के प्रतिनिधित्व की बहस शुरू हो गई। एक समय ऐसा भी आया जब राष्ट्रपति के आर नारायण किसी दौरे पर थे और उनको जिस होटल में ठहरने जाना था उसी दौरान दक्षिणपंथी मनुवाद व मुनि मनुवाद के पक्षधर लोगों ने होटल के कर्मचारियों से मिलकर श्री नारायण को भोजन में जहर देकर मारने की कोशिश की थी, परंतु होटल के रसोइयों ने ऐसा करने से मना कर दिया। एक राष्ट्रपति की इस बेबाक टिप्पणी ने वंचित जमात के लोगों के लिए सर्वोच्च न्यायालय में प्रवेश का रास्ता खोला गया था। सत्तारूढ़ मनुवाद व मुनिमवाद के अनुसार नहीं चलने के कारण ही के आर नारायण ने दोबारा राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने से मना कर दिया था। के आर नारायण वह पहले देश के राष्ट्रपति थे जो अनुसूचित वर्ग से थे, जबकि राष्ट्रपति का चुनाव लड़ते समय उन्होंने सामान्य श्रेणी में चुनाव लड़ा था।